हेलो एवरीवन, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में कुछ और फाइनली इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग डील कर लेंगे इस वीडियो में, और इस पे क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे और एटलीस्ट फॉर्मुलेशंस मिलेंगे जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल हैं. सो प्लीज़ डू फोकस. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम. सो अगर आपको ऐसा दिया गया कि लेट्स से एक फोर्स है, एक पार्टिकल है, और इस पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है, वो लैंग्वेज वाइज लिखेगा, और इस फोर्स की वजह से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट आपको फंक्शन ऑफ टाइम देगा. सपोज करो ये आपको टी स्क्वायर बाई फोर देता है. सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल जिसका मास भी आपको बताएगा, लेट से मास ऑफ दिस पार्टिकल इज 6 kg, और इस मास वाले पार्टिकल को एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है सच दैट कि उसका डिस्प्लेसमेंट आपको इस तरह से दिया गया है. एंड द क्वेश्चन विल डिमांड लाइक फाइंड वर्क डन बाई दिस फोर्स. वर्क डन बाई फोर्स. सो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कई सारे वेज हो सकते हैं. वन वे है कि फोर्स को कैलकुलेट करें. डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें. दैट मीन्स यू कैन गो बाई दिस फॉर्मूला, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स और डी आर. सिंस एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर डी एक्स भी लिख सकते हैं. उसके लिए पहले एफ निकालना पड़ेगा. एफ के लिए आपको पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो इसको डिफ्रेंशिएट करके आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो. डबल डिफरेंशिएट करने के बाद फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो. दिस इज़ वन वे. अनदर वे इज़ दिस कि लाइक आप अगर यही फोर्स लग रहा है तो आप ये भी बोल सकते हो कि वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगने वाला है. सो वर्क एनर्जी थ्योरम को आप लगा सकते हो. ये बोलेगा वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज. अगर एक ही फोर्स लग रहा है सो दिस विल बी द ओनली फोर्स दैट इज डूइंग द वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. फिर आप बोलेंगे कि फाइनल को हम लिखेंगे हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर. इसका मतलब हमको वेलोसिटी पता चल जाएगा तब भी काम हो जाएगा. और हम लोग जानते हैं बाय रूल की वेलोसिटी की वैल्यू डी एक्स बाई डी टी होती है. सो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे. एज सून एज यू डिफरेंशिएट इट, इट्स गोइंग टू बी ट्वाइस टी बाई फोर, बेसिकली टी बाई टू. दैट मीन्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऐसा आ जाएगा. और जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि कितने टाइम में वर्क डन बताना है, क्योंकि टाइम के साथ ये चल रहा है. सो अगर टी टाइम में बताना है तो टी के टर्म में आपको आंसर आएगा, अदरवाइज वो टी की वैल्यू देगा. लेट्स से क्वेश्चन सेज कि आपको जो वर्क डन बाय एफ निकालना है, और इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ इन 2 seconds. सो अगर ये 2 seconds में कैलकुलेट करना है, इसका मतलब टी की वैल्यू 2 हो जाएगी. फिर यहाँ से आप वी इनिशियल निकालेंगे. वी इनिशियल का मतलब हो जाएगा 0, क्योंकि वो टी इक्वल टू 0 पर होगी. वी फाइनल कैलकुलेट करेंगे. वी फाइनल का मतलब हो जाएगा टी इक्वल टू 2. जब आप 2 प्लेस करेंगे तो 2 by 2 दैट इज 1. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी फाइनल एज वेल एज इनिशियल. सो वर्क डन बाय फोर्स इज ऑब्वियस, लाइक हाफ एम कॉमन ले लीजिए, वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर बन जाएगा. सो हाफ इज हाफ, एम इज वट एवर इट इज गिवन, वी फाइनल वी कैन फाइंड आउट, वी इनिशियल वी हैव फाउंड आउट. सो दिस विल कन्वर्ट इन टू 3 2. सो दैट विल बिकम योर आंसर. पॉइंट इज कि अगर फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है तो फिर हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. इसी टाइप को ऐसे भी हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं. कई बार ये फोर्स को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे देगा. अगर फोर्स को फंक्शन ऑफ टाइम देगा तो डायरेक्टली हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको पोजीशन के साथ इंटीग्रेट करना होता है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर ऐसा आपको दिया जाता है तो इसको हम एम इंटू ए के टर्म में लिखने वाले हैं. फिर यहाँ से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे जो कि टाइम का फंक्शन आएगा. एक्सेलरेशन विल बी फंक्शन ऑफ टाइम, दैट मीन्स ये टाइम पर डिपेंडेंट करेगा. फिर आप इसके लिए डेफिनेशन लगा दोगे क्या, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी. यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो इंटीग्रेट करने के बाद. इसको आप जानते हो कैसे डील करना होता है, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, और इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ. तो यहाँ से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगी. तो अगर आपको वेलोसिटी निकल के आ गया, वही केस हो गया जो यहाँ पर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला है. फिर इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम को आप अप्लाई करेंगे और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को निकाल करके वर्क डन निकाल सकते हैं. सो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं. ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. दूसरा उसके लिए पर्टिकुलरली फिगर बनाते हैं. लेट्स अपने पास एक वुडन ब्लॉक दिया गया है, काफ़ी बड़ा ब्लॉक है, और आपसे ऐसा बोलता है कि एक बुलेट है, एक छोटा सा पार्टिकल है, बुलेट मान लेते हैं, ऐसा सिंपल सा बना देते हैं. ये इस पर एंट्री मारता है, और ये वुड का बना हुआ है या किसी और मटेरियल का बना हुआ है. सो आपसे पूछेगा कि बताइए कितना एनर्जी डिक्रीज़ होता है, वेलोसिटी डिक्रीज़ होता है, मोमेंटम डिक्रीज़ होता है, राइट. सो लेट्स से कि ऐसा बोलता है कि दिस पार्टिकल गोज इनसाइड व्हेन इट गोज बाय अ सर्टेन डिस्टेंस एक्स, राइट. तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी एक पर्टिकुलर परसेंट से डिक्रीज़ करता है.
सो लेट मी राइट द क्वेश्चन सो दैट यू कैन गेट इट एज बुलेट पेनेट्रेट्स बाई एक्स अमाउंट देन इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बाई 25%. Find total distance penetrated by bullet. So it says कि certain kinetic energy से entry ले रहा है, x के बाद जाने के बाद इसका kinetic energy 25% से reduce हो जाता है. तो यहाँ स्टॉप नहीं करेगा, फर्दर जाएगा और लेट से यहाँ पर फाइनली स्टॉप करता है. यू कैन थिंक ऑफ दिस इज वन सिचुएशन, टू सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन. थर्ड सिचुएशन में ये रेस्ट पर आ जाएगा क्योंकि ये फाइनली वहाँ पे पहुँच गया है. और अपने को ये बताना कि वन से थ्री कितना रहा होगा. सो अगेन वी कैन गो फॉर दिस एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम. तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो. सेम क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो काइनेमेटिक्स से और डायनेमिक्स को यूज़ करके. आप बोलोगे जब ये पार्टिकल अंदर जा रहा होगा तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा बैक साइड, उसकी वजह से, और रेजिस्टेंस फोर्स भी आप कह सकते हो, उसकी वजह से एक डीएक्सेलरेशन आ रहा होगा. ये डीएक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा होगा. तो आप यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी पकड़ सकते हो, यहाँ पर वी पकड़ सकते हो और इस तरह से सॉल्व कर सकते हो. ना अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो आप पहले वन से टू के लिए अप्लाई कर देते हैं. जब हम वन से टू के लिए अप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा वर्क डन. जब इस पर इनसाइड में जा रहा होगा तो वर्क डन भाई फ्रिक्शन का ही आ रहा होगा, जो भी रेजिस्टेंस फोर्स है और या फिर जो भी नेट फोर्सेस हैं वो आप समझ सकते हो. तो नेट जो वर्क डन आ रहा होगा वो ये हो जाएगा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट. और आपको ये दिया गया कि कितने से डिक्रीज करता है, डिक्रीज बाय 25%. इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो 25% के बराबर हो गई है. सो कैन वी से कि दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो माइनस 25/100, दैट्स अ परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल वन. इनिशियल वन मतलब इसको नॉट मान लेते हैं, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी लेट्स से के ई नॉट है. सो दैट विल बिकम वन रिलेशन. फिर इसी वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो वन से लेकर के लेट्स से थर्ड पोजीशन तक डायरेक्टली रेस पे जा रहे हैं. तो उस केस में आप पाओगे कि अगेन वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच विल बिकम दिस थिंग. So that becomes basically minus K E naught और ये second equation हो जाएगी. फिर आप बोलोगे जो work done by friction है या forces हैं displacement पर depend करेगा और ये assuming कि constant force लग रहा है तो इसको अब एक बार dash मान लेते हैं ताकि दोनों को differentiate कर सके. दोनों को divide कर देते हैं 1/2. So ये आएगा work done by friction in the first case, work done by friction in the second case is going to be equal to, you can think of कि जब divide करोगे 1/4 आ जाएगा, isn't it? अच्छा फर्स्ट का वर्क डन कितना रहा होगा, उसके लिए जो x डिस्टेंस चल रहा वो रिस्पॉन्सिबल रहा होगा. तो ये रहेगा माइनस f इंटू एक्स. जब सेकंड को आप देखेंगे तो उसमें ये डिस्प्लेसमेंट आएगा यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल है और इसी टोटल को आपको निकालना है. लेट्स ये टोटल x डैश है तो आप बोलोगे इसमें जो वर्क डन आएगा f इंटू x डैश आएगा, इसकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी. अगेन ये फ्रिक्शन जो है या रेजिस्टेंस फोर्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. x डैश की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा. इसका मतलब ये टोटल कितने डेप्थ तक पेनेट्रेट करने वाला है, 4x अमाउंट तक पेनेट्रेट करने वाला है. इस तरह क्वेश्चन में जो आपको एक्सट्रीमली केयरफुल रहना होता है वो ये कि किसके बारे में बात कर रहा है. अगर काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा है तो डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी यूज़ करेंगे. कई बार मोमेंटम वर्ड यूज़ करेगा तो मोमेंटम को हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं. कैसे, मोमेंटम इज इक्वल टू 2 times m इंटू काइनेटिक एनर्जी. और अगर वेलोसिटी के बारे में बात करेगा तो वेलोसिटी को भी हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम फाइनली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वर्ड यूज़ करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे. ओके नाउ लेट्स स्पीक नेक्स्ट एग्जांपल, दस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये पावर से रिलेटेड है और ऐसा आपसे बोलेगा कि लेट्स से कि देयर इज अ पावर, देयर इज अ दिस पंप एंड दैट एक्सट्रैक्ट्स वाटर फ्रॉम सम डाउन साइड. और इस वाटर को ये मोटर की हेल्प से बाहर थ्रो करते हैं. सो यहाँ से किसी भी वेलोसिटी से वाटर निकल रहा है, राइट. और ये पाइप जो है उसका अपना क्रॉस सेक्शन दे देगा कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ए दिया गया. तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझना आसान हो जाएगा. क्वेश्चन कुछ शॉर्ट में ऐसा लिखा जा सकता है कि अ पंप और मोटर यू कैन कॉल
is operating at power p if inflow of or ये basically outflow word use कर सकते हैं if outcoming water rate is to be doubled then what should be power of pump or operating power of pump. So point is this कि अगर एक particular rate से water flow कर रहा है तो उसको P power की ज़रूरत पड़ती है और अगर आप flow rate को double करना चाहते हैं that means अगर एक second में आने वाले water की value को आप double करना चाहते हैं तो उस समय power को double करने के लिए power को कितने factor से बढ़ानी पड़ेगी या फिर कितना finally power create करना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा ये आपके लिए question है. सो पॉइंट ये है कि ये वहाँ पर हमको एक रिलेशन चाहिए जिसमें पावर इन्वॉल्व हो और किसके साथ रिलेटेड हो फ्लो रेट के बराबर रिलेटेड हो. सेम पाइप को आपको यूज़ करना है तो कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में ख्याल रखेंगे. जैसे पाइप अगर सेम यूज़ करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा. अगर ये वाटर है तो वाटर की डेंसिटी नहीं बदलती है तो वाटर की डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहती है. हम लोग बात कर चुके हैं और इसको आपको याद भी रखना है. अगर आपको वाटर का फ्लो रेट डबल करना है इसका मतलब क्या करना चाहिए, आपको वेलोसिटी बदलनी होगी. दैट मीन्स यू नीड टू चेंज द वेलोसिटी. अगर आपने वेलोसिटी को हाई किया तो ज़्यादा वाटर आएगा पर सेकंड में, कम वेलोसिटी किया तो कम आएगा. इसका मतलब अपना जो पर्पस है वो ये है कि पावर का वेलोसिटी के साथ रिलेशन है. और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है. कई बार डायरेक्टली उसने पूछा पी इज प्रोपोर्शनल टू वी रेस्ट पावर एन, एन की वैल्यू बताइए, या फिर इसी को मैनिपुलेट करके पूछता है कि पावर कितने फैक्टर से बढ़ाना होगा अगर हम फ्लो रेट को किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर से बढ़ाना चाहते हैं तो. ओके, आफ्टर लर्निंग कि क्या चल रहा है तो हम लोग पावर का रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं. नाउ पावर की जो वैल्यू आती है वो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था डी एम अपॉन डी टी इंटू जी इंटू एच. नाउ किसी भी डेप्थ से अगर आप निकाल रहे हो तो एच की वैल्यू फिक्स हो गई और जी फिक्स रहता है अर्थ पर है. हम लोग डी एम बाई डी टी के बारे में आपको बताया था, डी एम बाई डी टी इज़ अ मास फ्लो रेट. सो डी एम बाई डी टी इज़ अ मास फ्लो रेट. इसका फॉर्मूला भी डिराइव किया है रो ए इंटू वी, ये याद रखना है आपको, दैट्स अ मास फ्लो रेट. ये भी आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने के लिए कि मास फ्लो रेट को हम डबल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसने बोला है कि वाटर कमिंग रेट जो है उसको आपको डबल करना है, यानी इस मास फ्लो रेट को डबल करना है. डेंसिटी बदल नहीं सकते हो आप, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया सेम पाइप है, ये एरिया तभी बदलेगा जब हम पाइप बदलेंगे और डेंसिटी तभी बदलेगा जब हम वाटर बदलेंगे या किसी और लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे. और वी कब बदलेगा, वी आप मोटर की स्पीड से मोटर की पावर से बदल सकते हो. इसका मतलब यहाँ पर वी एक ऐसा पैरामीटर है जिसको हम चेंज कर सकते हैं. तो अगर मास फ्लो रेट डबल किया है इसका मतलब वेलोसिटी को हमने डबल किया है, दैट्स अ पॉइंट. तो नया जो वेलोसिटी है वो पुराने वेलोसिटी का ट्वाइस है. तो लेट्स से न्यू वेलोसिटी इज वी डैश, दिस वी डैश इज गोइंग टू बी इक्वल टू ट्वाइस वी, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन सेज. ओके, सो दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ अपना पर्पज़ ये है कि इसी पावर को वी के टर्म में ले जाना. तो पहले एक फॉर्मुलेशन बन कर लेते हैं. तो ये बन जाएगा अपने लिए डी एम बाई डी टी इंटू जी इंटू एच, और डी एम बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पर हम प्लेस कर सकते हैं. ओके, सो दिस विल कन्वर्ट इंटू पी इज इक्वल टू रो ए वी इंटू जी इंटू एच. दिस इज हाउ यू कैन राइट द पावर. नाउ यहाँ पर कौन कौन से टर्म कॉन्स्टेंट हैं उसके बारे में ध्यान देना है. डेंसिटी बदलेगा नहीं, पाइप का एरिया नहीं बदलेगा तब तक, अगर पाइप नहीं बदलेंगे तो उसका एरिया नहीं चेंज कर रहा है. वी चेंज कर सकता है, जी कांस्टेंट रहता है, एच डिपेंड करेगा कि हाइट के बारे में क्या बोलता है. सो अगर उसने हाइट को कांस्टेंट बोला, अगर वो कैटेगोरिकली कहता है कि हाइट फिक्स्ड है, तो फिर आप इससे हाइट को फिक्स करके और ये क्लेम करेंगे कि पावर जो है वो वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है. बट जैसे ये क्वेश्चन दिया गया कि अ पंप इज ऑपरेटिंग एट अ पावर इट इफ आउटकमिंग, इसने सिंपली आउटकमिंग वाटर के बारे में बोला है और आउटकमिंग वाटर को आपको डबल करना है. उसने ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं बोला है कि ये हाइट फिक्स किया गया है और समथिंग लाइक दैट. तो उस केस के लिए क्या होगा कि हम इस हाइट को भी वी के टर्म में लाएंगे, क्योंकि ये हाइट भी वी के टर्म में मैटर करने वाला है. और इस हाइट को अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा उसका वर्क डन है और वो वर्क डन की वजह से इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा काइनेटिक एनर्जी में, राइट. तो एच को वर्क डन से रिलेट करके निकालना पड़ेगा वी के टर्म में. और उसको निकालने के लिए हम दूसरे तरीके से भी इसको डील कर सकते हैं. सो अनदर वे ऑफ डीलिंग इज दिस, ये तभी एप्लीकेबल होगा इफ़ एच इज़ कॉन्स्टेंट. अदरवाइज अपने को जो जनरल फार्मूला है वो इस तरह से ड्राइव करना होगा.
हम पावर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, फोर्स डॉट वेलोसिटी, और सिंस सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये एफ डॉट एफ वी के बराबर हो जाएगा। नाउ फोर्स को कैसे लिखते हैं, जब कभी मास फ्लो रेट होता है तो फोर्स की एक और डेफिनेशन होती है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके थ्रू आप समझ जाएंगे। फोर्स इन केस ऑफ मास फ्लो रेट, अगर आपको मास फ्लो रेट दिया गया है एंड वी की वैल्यू कांस्टेंट दी गई है, तो अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी मास फ्लो रेट को चला रहे हैं तो उस केस में आप पाओगे कि जो फोर्स की वैल्यू होती है वो फोर्स की डेफिनेशन बनती है वी डी एम बाई डी टी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसके बेसिस पर कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसको अप्लाई कब करेंगे, जब कभी मास फ्लो रेट होगा यानी डी एम बाई डी टी होगा, और दूसरा वी कॉन्स्टेंट होगा, वी कॉन्स्टेंट होगा। और एक मिनट के लिए मैं आपको पहले रिकॉल करा देता हूँ ये आया कहाँ से है। अपने एक सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में ये फोर्स की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी थी, फोर्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन थी वो एम ए प्लस वी डी एम बाई डी टी थी, रिमेंबर दैट। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फोर्स केवल एम ए नहीं होता है बल्कि ये भी होता है जब कभी मास चेंज हो रहा होता है। और अगर वी कॉन्स्टेंट रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो मटेरियल है या फिर जो मास फ्लो है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा तो आप पाओगे एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो फोर्स की डेफिनेशन ये बन जाती है, सो फोर्स इज गोइंग टू बी वी डी एम बाई डी टी। मोर ओवर यहाँ से एक और पॉइंट क्लियर हो रहा है कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो वी की डायरेक्शन में होती है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट में कॉस जीरो आएगा, उस कॉस जीरो को हम वन लिख रहे हैं। तो ये भी पॉइंट आप याद कर सकते हो फॉर नाउ ऑनवर्ड्स। सो इससे रिलेशन निकालना अपने लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो पावर की जो डेफिनेशन हो जा रही है वो आ जा रही है वी इंटू डी एम बाई डी टी इंटू वी, सो बेसिकली ये आ जा रहा है वी स्क्वायर डी एम बाई डी टी। ये आपको जनरल फॉर्मुलेशन दे रहा है वी पे डिपेंडेंसी। तो अब आप इसको यूज़ करेंगे, सो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो डी एम बाई डी टी की वैल्यू रख देंगे, तो पावर की जो वैल्यू आ जा रही है अपने पास दैट इज़ कमिंग एज रो ए वी इंटू वी स्क्वायर, बेसिकली रो ए वी क्यूब। सो पावर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी क्यूब, दिस इज हाउ पावर डिपेंड्स ऑन द फ्लो रेट और फ्लो वेलोसिटी। इसमें रो डेफिनेटली कॉन्स्टेंट है, ए डेफिनेटली कॉन्स्टेंट है, बाकी वी ओनली वेरिएबल है, इसलिए पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब। तो अगर आपको कभी बोलता है कि पावर और फ्लो रेट में रिलेशन बताइए, तो पी इज इक्वल टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज वी क्यू। मोर ओवर फोर्स के बारे में बात करेंगे तो इस फोर्स को और भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि फोर्स इज वी डी एम बाई डी टी को रो ए वी लिख सकते हैं। तो जब कोई मास फ्लो चल रहा हो तो आप फोर्स को रो ए वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अगर वेलोसिटी डबल करनी है तो फोर्स को किस फैक्टर से बढ़ाना होगा, तो आप बोलोगे फोर्स को वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंडेंसी होती है, इसलिए वो फोर टाइम्स होगा। अगर इसको वेलोसिटी को डबल करेंगे तो फोर्स जो है वो फोर टाइम हो जाएगा और पावर जो है वो एट टाइम हो जाएगी। इस क्वेश्चन में ये दिया गया था कि इसकी वेलोसिटी को आप डबल करते हो तो पावर कितने टाइम हो जाएगी, एट टाइम हो जाएगी। तो फाइनल आंसर अपना कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पर आंसर शॉर्ट में लिख देते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी नेक्स्ट पावर, आप ऐसा बोलो कि पी डैश, तो पी डैश की जो वैल्यू आएगी वो 8p के बराबर आ जाएगी। मैंने डायरेक्टली लिखा, कैन यू थिंक ऑफ दैट कैसे, अब बोलेंगे पी डैश अपॉन पी इज इक्वल टू वी डैश क्यूब डिवाइड बाई वी क्यूब, वी डैश की जगह 2v रख देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2v क्यूब डिवाइड बाई वी क्यूब, दैट इज़ बेसिकली 8। फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। एनीवे, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लर्न किए। पहला, अगर एच की वैल्यू कांस्टेंट कैटेगोरिकली बोलता है तो फिर आप इसको अप्लाई करेंगे, और अगर नहीं बोलता है तो फिर ये अपने लिए ये जनरल फार्मूला रहेगा, और हम बोलेंगे कि किसी भी मटेरियल के फ्लो में जहाँ मास फ्लो रेट होता है वहाँ पर पावर वेलोसिटी के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फोर्स वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोर ओवर पावर का प्रॉपर फार्मूला आपको पता है और फोर्स का भी प्रॉपर कंप्लीट फार्मूला पता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं, ये वर्क से रिलेटेड है और एग्जाम में आया हुआ भी है, अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला है कि फोर्स की जो वैल्यू है वो आपको गिवेन है के एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2,
और ये वेरिएबल फोर्स है, एक्स वाई पर डिपेंड करता है। और जब कोई वेरिएबल फोर्स इस तरह से देता है तो मोस्टली जो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो आपको पाथ देगा। सो क्वेश्चन सेज फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं फ्रॉम ए पॉइंट विच इज लेट्स से ए कॉमा जीरो टू बी पॉइंट विच इज 0, a ऑन अ सर्कुलर आर्क। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें पाथ को दिया गया था और आपको बताया गया था कैसे डील करना होता है, उसी का ये फॉर्मेट था, बट एक इम्पॉर्टेंट था जो कि एग्ज़ाम में भी आया हुआ है और आप समझेंगे कि किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। मैथमेटिक्स थोड़े से चैलेंजेस हैं, रेस्ट इज़ ऑब्वियस। सो आप इस तरह से फिगर ड्रॉ करते हैं और आप उस पर लिखेंगे कि ये आपके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दैट्स वाई कोऑर्डिनेट और ये एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी पाथ की इक्वेशन। आपको पाथ को यहाँ से देख सकते हो और कुछ इस तरह से पाथ चल रहा है, ये सर्कुलर आर्क होगा तो कुछ इस तरह से जाएगा रफली, ओके। और अगर हमने इसको सर्कुलर पार्ट बनाया है, कंसीडर किया है, तो इस तरह से ए पॉइंट यहाँ पर है और बी पॉइंट यहाँ पर है। ए के कोऑर्डिनेट 1, 0 दिया गया है, बी के कोऑर्डिनेट 0, a दिया गया है, तो इसका मतलब इसका सेंटर ये रहा होगा और इसकी रेडियस किसके बराबर होगी, रेडियस ए के इक्वल हो जाएगी। इस पाथ पर पार्टिकल को ले जाना है और अपने को इसको परफॉर्म करना है। सो एज़ पर द रूल्स जो आप जानते हो कि वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है वेरिएबल केस में, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लगाएंगे प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई लगाएंगे, जेड टर्म नहीं है इसलिए इसको छोड़ देंगे। एफ एक्स यहाँ से पता करेंगे, यहाँ पे जो के है वो कांस्टेंट है ना। एफ एक्स की वैल्यू का मतलब होता है आई का कॉफिशियंट, तो आई के कॉफिशियंट में एक्स है, के है और डिनोमिनेटर है, तो इंटायर स्टेप एक साथ लिखेंगे। इंटीग्रेशन आएगा के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2, इसके साथ डी एक्स लगाएंगे प्लस एफ वाई को पकड़ते हैं वो है के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2 डी वाई, के कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल सकते हैं। फिर आप इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले जानी है, इसकी लिमिट जो है वो ए से ज़ीरो जानी चाहिए, ए एक्स की लिमिट लगाते हैं ज़ीरो, इसकी लिमिट ज़ीरो से वाई की लिमिट लगाएंगे ज़ीरो से ए जानी चाहिए। अच्छा, आप जब इसको इंटीग्रेट करने लगेंगे तो आपको थोड़ा सा चैलेंज आएगा क्योंकि ये एक्स है और ये वाई को भी इन्वॉल्व कर रहा है, तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। फिर हमने लर्न किया था कि हम क्या करते हैं, पाथ की इक्वेशन से उसकी एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें कुछ इस तरह का पाथ लिया था जिसमें एक्स और वाई कॉन्स्टेंट आ जाते थे, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करते थे तो ज़ीरो था, बट यहाँ पर कोई ज़ीरो नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साइड में एक और पॉइंट को रिकॉल करेंगे कि हमारे लिए पाथ मैटर करता है, तो ये सर्कल है, पाथ इज़ अ सर्कल, ऐसा उसने बोला। सर्कल की इक्वेशन आप जानते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब जब हम ए से बी जाएंगे तो एक्स बदलेगा वाई बदलेगा लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं बदलेगा, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, वो ए स्क्वायर के बराबर होगी। तो जहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया है उसको हम इससे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो जैसे आप इसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ से के आउटसाइड आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन में बनेगा एक्स डी एक्स, डाउन साइड क्या बन जाएगा ए स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस यहाँ पर k को आउटसाइड निकाल लो, ये बनेगा वाई डी वाई, डाउन साइड आएगा ए स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2। अब आप देखोगे ये बहुत सिंपल हो गया क्योंकि जो इशू था वाई का वो तो रिजॉल्व हो गया। देन आफ्टर ये कांस्टेंट उसको बाहर निकालेंगे, ये 3/2 पावर स्क्वायर से मिलकर के क्यूब बनाती है, वो आप जानते होगे, k अपॉन ए क्यूब को आप बाहर निकाल सकते हैं, ये टोटली कॉमन ले सकते हैं। इंटीग्रेशन बनेगा एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई डी वाई, और इनकी लिमिट्स भी आपको पता है, ये ए से ज़ीरो जा रहा है और ये ज़ीरो से ए जा रहा है। देन आफ्टर दिस बिकम्स k अपॉन ए क्यूब, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो फर्स्ट कितना आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आप चेक कर लीजिए, माइनस ए स्क्वायर बाई टू बनेगा। सेकेंड कितना बनेगा, ए स्क्वायर बाई टू बनेगा। आप देखो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ज़ीरो। सो इसका मतलब इस सर्कुलर आर्क पे जब चलते हैं तो वर्क डन बाई दिस फोर्स इज ज़ीरो। नॉट ओनली दिस फोर्स, एनी फोर्स विद दिस डायरेक्शन इज गोइंग टू बी ज़ीरो, क्योंकि अगर आप इसको वेक्टर से लिंक करोगे तो आपको और भी क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा कि अगर हम इस पार्टिकल को यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो ये जो डायरेक्शन होती है इसको हम आर वेक्टर रेडियस बोलते हैं, और अगर वेक्टर के टर्म में बोला जाए तो आर बोलेंगे। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करो, अगर ये एक्स है ये वाई है तो आर कोऑर्डिनेट, आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे, और आप
इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये क्या लिखा हुआ है, के आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर की पावर 3/2। इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है वो रेडियल फोर्स है आर की डायरेक्शन में, और जब कभी रेडियल फोर्स लगता है डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर होता है तो उसका वर्कडन कितना होता है, जीरो। इसका मतलब है इन केस वी वांट वी कैन अवॉइड दिस कैलकुलेशन, वी कैन डायरेक्टली क्लेम ये रेडियल फोर्स है और रेडियल फोर्स का वर्कडन सर्कुलर पाथ पे किसी भी सेगमेंट ऑफ द सर्कल पे जीरो रहता है, इसलिए हमारा आंसर भी जस्टिफाइड है और जीरो है। ओके, नाउ लेट्स कंसीडर अ लास्ट सिंपल क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर। ये सिंपल है और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये ऐसा बोलता है, लेट्स से कि अपने पास इस तरह का एक अरेंजमेंट है, एक ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर ये पुली लगा हुआ है, यूजुअल स्ट्रक्चर। इस पुली से आपने एक ब्लॉक को हैंग करा रखा है, लेट्स से दिस इज अ ब्लॉक दैट इज हैंगिंग, और एक ब्लॉक यहाँ पर भी है। अनलेस से इनके मासेस दिए गए हैं, ये ब्लॉक का मास कैपिटल एम है जो बड़ा दिख रहा है, जो छोटा दिख रहा है उसका कैपिटल एम है, जो बड़ा दिख रहा है उसका स्मॉल एम है, और यू कैन थिंक ऑफ कि ये सब फिक्स सरफेस है, देयर इज नो फ्रिक्शन, तो ये स्मूथ सरफेस है, ऐसा भी अज्यूम किया गया। आपसे पूछा जाता है कि जब ये कैपिटल एम डाउन साइड जाएगा एच अमाउंट से, व्हेन इट गोज डाउन साइड बाई एच अमाउंट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम, तो इट्स इज फाइंड velocity of small m block when capital M descends by or goes down by h। so इसके लिए आपको work energy theorem या mechanical energy conservation कुछ भी लगा सकते हो, तो क्योंकि smooth है तो mechanical energy conservation भी चलेगा, mechanical energy conservation फर्स्ट सिचुएशन और टू सिचुएशन के बीच में, फर्स्ट कौन सी होगी टू कौन सी होगी उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेट से फर्स्ट यही है, जब ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पर आएगा और इसके पास कुछ वेलोसिटी आएगी, ये मूव करके इधर चला जाएगा, इसके पास भी वही वेलोसिटी आएगी क्योंकि हम लोग कंस्टेंट रिलेशन से जानते हैं सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे। अच्छा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज ओनली ऑफ दिस, तो आप बोलोगे ये फर्स्ट लोकेशन है ये सेकेंड लोकेशन है, एंड देन यू कैन क्लेम लाइक काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फॉर द फर्स्ट केस is equal to kinetic plus potential for the second case, now put the value, first case में kinetic energy कितना रहा होगा, अलग से जो जहाँ पर है उसका वही reference है, और it is released from rest, ऐसा बोलेगा कि ये rest से release किया गया था, तो अगर rest से release किया गया था तो initial kinetic energy zero रही होगी। initial potential energy कितना रहा होगा, तो उसके लिए आप reference मान लीजिए, ये reference है तो ये डाउन साइड रहा होगा, let's say डाउन साइड कुछ L amount से था, तो हम बोलेंगे कि इसका तो स्मॉल एम का तो जीरो हो जाए, कैपिटल एम का आएगा माइनस एम जी एल इज इक्वल टू, फाइनली काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर भी आएगा, हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर भी आएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ये स्मॉल एम में अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन कैपिटल एम में चेंज आएगा, कैपिटल एम कितना हो जाएगा माइनस एम जी एल प्लस एच। सो इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप पाएंगे कि माइनस एम जी एल माइनस एम जी एल कैंसिल आउट हो जाएगा, आप कैलकुलेशन बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं, तो ये बनेगा हाफ एम प्लस स्मॉल एम, दोनों को एक साथ लिख लीजिए वी स्क्वायर, और यहाँ से माइनस एम जी एच कैपिटल एम जी एच आ जाएगा। मास का याद रखना है कौन सा मास किसके साथ जा रहा है, सो यहाँ से आप लिख सकते हो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स कैपिटल एम जी एच डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, सो व्हाट द वेलोसिटी इज स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस कैपिटल एम जी एच डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। जब इसको इस तरह से सॉल्व कर लोगे तो आपको चार ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा नजर आएगा, वो आपका आंसर बन जाएगा। फाइन, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी देखे, पर्टिकुलरली वो पावर का क्वेश्चन और ये फोर्स का जो आपने देखा, पेनेट्रेशन ऑफ ब्लॉक का भी इम्पोर्टेंट था, सो इसको गो थ्रू कर लीजिए, दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड टाइम।